हाय फ्रेंड्स, मैं रेशू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग। जैसे कि आप भी बेटा बेटी होने के लक्षण देखते होंगे, कई वीडियोस में बताया जाता है कि उल्टियां होने पर लड़की होती है, कई में बताया जाता है कि उल्टियां होने पर लड़का होता है। आखिर होता क्या है, उल्टियां होने पर बेटी होती है या बेटा होता है? आप इस टेंशन में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, तो आज मैं उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने बेटी कंसीव की हुई थी तो मुझे बिल्कुल उल्टियां नहीं आईं, और बेटा जब मैंने कंसीव किया तो कंसीव जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं किया था उसके पहले से ही मुझे वोमिटिंग फील होना शुरू हो चुकी थी। और जब मैंने जैसे ही मेरा कंफर्म हो गया, फील होना बल्कि वोमिटिंग आना भी स्टार्ट हो गई थी। तो बेटे के टाइम पर मुझे 1 से 4 महीने कंटिन्यू मॉर्निंग में डेली वोमिटिंग आई, कभी कभी आफ्टरनून या इवनिंग में भी आ जाती थी। तो अब आप क्या बिलीव करेंगे कि नहीं, उल्टियां से लड़की होती है या लड़का होता है? जैसे मेरे साथ ये हुआ, और मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। मेरी जो जेठानी है उनको भी 4 बेटियां हुई हैं, तो उनको भी बेटियों के टाइम पर कंटिन्यू 1 से 9 महीने तक उल्टियां आई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिम्टम हर किसी के अलग अलग होते हैं, उन पर बिलीव मत कीजिए। शायद आप जो भी सिम्टम देख रही हैं, आप जो भी फील कर रही हैं, वो बिल्कुल अलग हों। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के लक्षण सेम हो, तो प्लीज़ ऐसी कोई भी लक्षणों को अपने ऊपर मत आजमाइए। प्रेग्नेंट लेडी में डाउट रहते हैं कि ऐसा, उन लक्षणों को वो सीरियस ले लेती हैं, फिर पूरा 1 से 9 महीने प्रेगनेंसी में टेंशन में रहती हैं। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए लाई हूँ कि अपनी नेगेटिविटी को बिल्कुल हटा दीजिए। आप जो भी चाहती हैं तो शायद आपको वही भगवान दे, शायद आपकी मनोकामना भी पूरी करे। तो अगर आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, अपने भगवान पर ट्रस्ट रखिए। ऐसी कोई भी नेगेटिविटी पे जो भी आप देख रहे हैं उन पर बिलीव मत कीजिए, किसी के बताए हुए पर भी बिलीव मत कीजिए। आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, उस पर बिलीव कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टिप्स के साथ, एक नए मिथक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।